हां जी गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेकर आई हूँ। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। कल मैंने आपसे कहा था कि आज की वीडियो मिस मत करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ ट्रिक लेकर आऊंगी। अच्छा, कल मैंने आपको ना अडेप्टिव पैक डिस्काउंट के बारे में बताया था, एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी कल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। कल वाली वीडियो देख लेना अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है फिर, जिसमें मैंने आपसे अडेप्टिव पैक डिस्काउंट का ये कहा था कि अगर आपके अकाउंट में कम से कम यूसी होगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा ताकि आप यूसी परचेस करो, और ये इवेंट आपको 12 तारीख को मिलेगा। उसमें कुछ लोगों ने पहले ही ये सवाल पूछ लिया कि एक क्वेश्चन, व्हाट इफ वी यूज आर यूसी पैक इन आरपी एक्टिविटी पैक, अगर हमारे पास यूसी नहीं है तब क्या हमारा मेजर डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये कि अगर हम आरपी एक्टिविटी पैक में अपनी यूसी डाल दें तो क्या हमें वो मेजर डिस्काउंट मिलेगा। फिर किसी और ने एक और एक सवाल पूछा, यहां पर आप देख सकते हो, अगर इवेंट आने से पहले हम सारे यूसी आरपी पैक में डाल दें फिर। देखो भाई, आपके पास तो इतने दिमाग होते हैं ना, मतलब जहां वीडियो आई नहीं आपसे कोई चीज छुपा नहीं सकते हैं। खैर से सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, आरपी एक्टिविटी पैक बड़े कमाल की चीज है। यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा यूसी है तो आप आरपी एक्टिविटी के पैक परचेस कर लो, 1000 1000 1000 सेपरेटली आप परचेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा 10,000 एक साथ परचेस करना, आप 1,000 भी परचेस कर सकते हो, जहां पर आप अपनी यूसी देते हो और आरपी के कुछ मिशन कंप्लीट करते हो और आपकी यूसी यहाँ से रिटर्न आ जाती है। तो ये होता है आरपी एक्टिविटी पैक। जैसे मान लो मेरे अकाउंट में अभी 1000 यूसी है, मोटा मोटा हिसाब करके चलती हूँ, अभी मेरे अकाउंट में 1000 यूसी है, मैंने अगर आरपी एक्टिविटी पैक यहाँ से परचेस किया ना तो मेरे अकाउंट में अभी 0 यूसी शो होगी। अब आपको समझ में आया कि ये ट्रिक कहाँ अप्लाई होने वाली है। तो अगर हम आरपी एक्टिविटी पैक परचेस कर ले तो अगर हमारे अकाउंट में 0 यूसी शो करेगी, फिर यहाँ पर हमें वो पैक मिल पाएगा या फिर नहीं। देखिए, मैं आपको पहले से तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ये बीजीएमआई वाले क्या पता कहाँ से कुछ भी दिमाग लगा ले, मैं वो तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ये आप कर तो सकते हो। क्योंकि अगर आप आरपी एक्टिविटी पैक परचेस करते हो तो ये नहीं पता होता कि आपके अकाउंट में यूसी है, यूसी आपकी 0 शो होती है अगर आपने जितनी भी यूसी या फिर जितनी भी आरपी एक्टिविटी पैक परचेस किया। अब सवाल ये है कि ये तो 12 तारीख को आएगा, अब अगर ये 12 तारीख को आएगा उसके बाद अगर आप आरपी एक्टिविटी पैक परचेस करते हो ना, फिर तो आपको मिशंस कंप्लीट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू जो रॉयल पास आ रहा है वो 23 तारीख को आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अगर रॉयल पास 23 तारीख को आ रहा है, ध्यान से सुनिए, अभी जस्ट 23 तारीख को आ रहा है, तो ऑलमोस्ट आपके 2-3 वीक्स तो यहां से निकल जाएंगे, और अडेप्टिव पैक आपका 12 तारीख को आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, जब रॉयल पास 23 तारीख को आए ना तभी आप आरपी एक्टिविटी पैक परचेस कर लो। ध्यान से सुनिए पहले, जब रॉयल पास 23 तारीख को आएगा तभी आप आरपी एक्टिविटी पैक परचेस कर लो, जितने भी पैक आप परचेस करना चाहो। देखिए, मैं भी पैक परचेस करूंगी क्योंकि मेरे अकाउंट में 10,000 यूसी है, मैंने यूसी अप से बहुत सारी यूसी इस बार परचेस कर ली थी, तो मैं 10,000 का पैक परचेस करना चाहूंगी, जैसे मैं बता रही हूँ, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से लेट्स सी कि हम कितने पैक परचेस कर पाएंगे, क्या सारी चीजें, वो हम आरपी वाले दिन डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आपको तब परचेस कर लेना है, एक चीज ध्यान से सुनिए, आप परचेस तो तभी कर लेना, लेकिन जैसे आप मिशंस कंप्लीट करते जाओगे ना तो यहां पर आपको कलेक्ट का ऑप्शन आता है, लेकिन आपको कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कलेक्ट कर लोगे तो ये वापस से आपके अकाउंट में रिपीट होकर आ जाएगी, फिर वापस से आप इसको 12 तारीख को परचेस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक इवेंट जब आता है, एक अपडेट आता है, तो उसमें आप एक ही बार परचेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड यहां से परचेस कर लो, 10 पैक्स है तो 10 पैक्स ही आप परचेस कर सकते हो एक अपडेट में। तो जब रॉयल पास आए ना तभी आप परचेस करना, और इसको कलेक्ट मत करना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मिशंस वगैरह आप खेलते हो जब रॉयल पास के, जब रॉयल पास आ जाता है जहां आपने मैचेस खेलना शुरू किया ना, तो ऑटोमेटिकली मिशंस कंप्लीट हो जाते हैं, तो वहां से आप कलेक्ट मत करना, मिशंस कंप्लीट होने देना। तो ये जो आपका अडेप्टिव पैक डिस्काउंट है ये आपको 12 दिसंबर को मिलेगा। तो हम 12 दिसंबर को क्या करने वाले हैं ना, मैं बहुत सारी तरह से आपको ट्रिक्स बताऊंगी। देखो, मैं बताऊं या ना बताऊं फिर भी आप कमेंट कर ही देते हो, तो मैं आपको अलग अलग न्यू आइडियाज में भी ये ऑफर्स दिखाऊंगी किस तरह के, और हर के डिफरेंट आइडियाज में, किसी के अकाउंट में अगर 5000 यूसी है तो लेट्स सी उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर मेरे अकाउंट में अगर अभी 0 यूसी है तो मुझे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर अगर किसी के अकाउंट में 50,000 यूसी है तो उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये सारी डिटेल तो मैं आपको तब बताऊंगी किस तरह से आप न्यू आईडी से परचेस कर सकते हो, या फिर नए मिशंस वगैरह, वो सारी चीजें हम उस दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक प्री ऑर्डर के तौर पर, मानो अगर आप आरपी एक्टिविटी पैक परचेस कर लेते हो रॉयल पास के टाइम पे, तो कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं हो जाएगी, लाइक आपकी यूसी चली नहीं जाएगी, वो यूसी वहीं पड़ी रहेगी, उसके बाद आपके अकाउंट में हो जाएगी 0 यूसी, जब आपके अकाउंट में 0 यूसी हो जाएगी फिर आपको ऑफर आ जाएगा।
मैं आपसे ये भी कह सकती थी गाइस कि आप लोग एक काम करो, हम उसी दिन परचेस करेंगे जिस दिन ये ऑफर आएगा। तो मान लो अगर वो ऑफर आ गया और उसके टाइम में अगर आरपी एक्टिविटी पैक परचेस किए, फिर अगर आपको वो ऑफर नहीं मिला तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। जब हमें ऑलरेडी पहले से डेट पता है, हमें पहले से पूरा ये पैक की इन्फॉर्मेशन पता है, तो हम ये काम कर सकते हैं कि जब आपका नया रॉयल पास आएगा तब आप कुछ पैक परचेस करके रखना और अपने अकाउंट में कम यूसी करके रखिएगा। उस हिसाब से फिर हम सारी चीज़ें तब डिस्कस करेंगे जब 12 तारीख आएगी, और तब भी जब 23 तारीख को नया रॉयल पास आएगा तभी भी मैं कुछ आरपी एक्टिविटी पैक परचेस करूँ। जो न्यू सीजन आने वाला है उसके पोस्टर आना शुरू हो गए हैं। 5 दिन के बाद आपका नया सीजन आएगा। नए सीजन में काफी बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो जब नया सीजन आएगा, 3-3 सीजन आएगा, तो उस दिन हम वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आपने मिशंस और अगर आपने रैंकअप नहीं किया है तो आप याद से फटाफट से रैंकअप करो। मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। कुछ लोगों ने सवाल पूछा था BGMI में डेली फॉर्चून पैक कब आएगा। देखिए, डेली फॉर्चून पैक अपडेट के 10 या 15 दिनों के बाद आ जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेट जाननी है डेली फॉर्चून पैक की, तो एक बार इसको अपडेट को आ जाने दो, रॉयल पास आ जाने दो, फिर वहां पर आपको डील सेक्शन में डेट पता चल जाएगी या फिर मैं खुद आपको बता दूंगी। अब रही बात कैरेक्टर वाउचर इवेंट की, काफी सारे लोगों के सवाल थे कि कैरेक्टर वाउचर इवेंट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो शायद आपके लिए न्यू होगी। जब नया वाला अपडेट अभी जस्ट आया था ना, 3.5 का अपडेट, तो जो पहली चीज मैंने भी नोटिस की थी, डिसमेंटल वाले में ना आप अपने कैरेक्टर वाउचर को डिसमेंटल कर सकते थे। यहाँ पर आप क्लियरली इमेज देख सकते हो, कोई फेक इमेज नहीं है। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर वाउचर 1 UC का मिलता है और यहाँ पर इन लोगों ने डिसमेंटल करके 50 यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स दिए। मतलब ये कि अगर आप डिसमेंटल करते हो कैरेक्टर वाउचर्स को तो आपको एक सिल्वर कॉइन या फिर बीपी कॉइन्स 5 मिलते हैं। इसी हिसाब से और भी इमेजेस मेरे पास है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर आपका MLA कैरेक्टर हो गया या फिर आपके नॉर्मल कोई भी कैरेक्टर हो ना, तो आप उसको डिसमेंटल कर सकते थे। तो ये शुरू में चीजें आई थी तो लोगों को लगा था भाई अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको एक यूसी का एक कैरेक्टर वाउचर मिलता है, लेकिन इवेंट्स में आपको फ्री भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर मेकर्स ने इसको फिक्स कर दिया है, अब आप इसको डिसमेंटल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट अपडेट सपोज डिसमेंटल का ऑप्शन आ जाता है ना, तो मानो अब से जो कैरेक्टर वाउचर्स यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स नजर आ रहे ना, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है परचेस करना आपकी। और इसी हिसाब से ये लोग बनाते भी नहीं है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर आपको 10 कैरेक्टर मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आपके पास अभी कितने कैरेक्टर्स हैं, देखो यहाँ पर 1 UC का मिल रहा है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कितने कैरेक्टर्स, तो आप ना डिफॉल्ट कैरेक्टर ही यूज कर रहे होगे, नॉर्मल आप कोई कैरेक्टर नहीं। इस वजह से पबजी वाले कैरेक्टर्स लाते ही नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास भी कैरेक्टर वाउचर्स बहुत सारे पड़े, बट मैं खुद कैरेक्टर वाउचर्स कैरेक्टर परचेस नहीं करती हूँ। तो अभी आने वाले टाइम में बहुत कम चांसेस है कि आपको कैरेक्टर देखने को मिले या फिर आपको कैरेक्टर वाउचर्स देखने को मिले, ठीक है जी। तो अभी के लिए तो ये फिक्स कर दिया गया है, अभी आप डिसमेंटल नहीं कर सकते 3.5 अपडेट में। लेकिन लेट्स सी, क्या पता आने वाले अपडेट में इन लोगों ने इसको डिसमेंटल लगा दिया, तो मतलब ये कैरेक्टर वाउचर्स की कहानी खत्म हो गई हो। लेट्स सी नेक्स्ट अपडेट में क्या है। इस अपडेट में इसको फिक्स कर दिया गया, अगर आप अभी डिसमेंटल करने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और एक चीज, आज मॉर्निंग के टाइम ये वाला लकी स्पिन BGMI में आया है। और मैं आपको जब कभी कोई भी इन्फॉर्मेशन दिखाती हूँ पबजी मोबाइल की, तो आप कहते हैं BGMI में नहीं है। आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको इसकी लीक्स दिखाई थी, सो फाइनली ये BGMI में आ गया है। थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता है लेकिन BGMI में भी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर जो मैंने कैरेक्टर लिया ना, अभी कैरेक्टर की वीडियो बना रही थी तो मैंने कैरेक्टर चेंज कर लिया, इसलिए इस तरह का नजर आ रहा है। बट अगर मैं आपसे कहूँ तो आप इसकी स्पिन मत करिएगा। अगर आप करना चाहते हो स्पिन तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक्चुअल में ये 200 कॉइन्स में आपको मिल रहा है, नो डाउट, बट आने वाला एक पैन की स्किन है जो आपको काफी पसंद आएगी। अगर ये आपको लकी स्पिन में आ जाती तो यहाँ पर आउटफिट भी आपको काफी पसंद आने वाले हैं। बैकपैक हो गया, हेलमेट हो गया, काफी सारे आउटफिट के साथ यहाँ पर आप स्टंट ग्रैंड। लेकिन ये जो आपको हेलमेट नजर आ रहा है ना, ये सॉरी हेलमेट कह रही हूँ, ये जो आपको पैन की स्किन नजर आ रही है, काफी एलिमिनेशन स्पेशल इफेक्ट हो गया, फाइनल फॉर्म हो गया। यहाँ पर एक न्यू चीज है, डिफेंस इफेक्ट। तो ये कुछ इस तरह का आपको डिफेंस इफेक्ट मिलेगा। तो ये कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप ट्राई करिएगा कि आप यही वाली स्पिन करें। अगर आपके पास छोटा वाला प्राइम प्लस लेते हो ना, प्राइम परचेस करते हो, तो उसके अंदर आपको 20 UC के वाउचर्स मिलते हैं। तो ये जो वाउचर्स है ना, ये अगर आपको इस्तेमाल करना है तो सिर्फ आप लकी स्पिन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो लकी स्पिन आपको यहाँ पर देखो 20 UC में मिलती है और 10 UC का डिस्काउंट हो जाता है, तो ये वाला जो वाउचर है ना, वो आप 30 UC के ऊपर ट्राई कर सकते हो। तो ये आप प्राइम प्लस में ले सकते हो। अच्छा, दूसरी प्राइम प्लस में नहीं, प्राइम में मिथिक फॉर्ज शायद हाई चांसेस है कि आपको कल रिफ्रेश होता हुआ दिखेगा 19 तारीख को, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। अगर 19 को नहीं हुआ तो 20 को कन्फर्म हो जाएगा और यही आउटफिट आने वाला है। अगर इस आउटफिट का लाइव 3D लुक देखना चाहते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मिथिक फॉर्ज की। मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है किस तरह का वो आउटफिट है, क्या इमोट है उसके ऊपर, वो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा। अच्छा,
अब यहाँ से कोई ना कोई आउटफिट पक्का रिमूव होगा, रिमूव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और फिर वो आएगा रिटर्न हो करके, लेकिन कब आएगा उसका कोई आइडिया नहीं। तो अगर आपको यहाँ से कोई आउटफिट चाहिए तो आप ले लीजिएगा। मुझे ये वाला आउटफिट बहुत ज़्यादा पसंद था तो मैंने ऑलरेडी उसको रिडीम कर लिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो ओन लिखा हुआ रहा है हेडगियर के साथ में और आउटफिट के साथ में। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ से अभी रिडीम कर लो, बाद में ना कहना ये आउटफिट वापस से कब आएगा, ठीक है जी। तो 19 तारीख तक के यहाँ पर अपडेट के बाद में, या फिर आप 21 तारीख, तो ये न्यू वापस से रिफ्रेश हो जाएगा 21-22 तारीख को, फिर हमें सब डिटेल पता चलेगी कि कौन सा इवेंट कब आएगा। तो ग्रोइंग पैक के पॉइंट्स अगर आपने कंप्लीट नहीं किए तो आपके पास 11 घंटा है, जाओ यहाँ से डील वाले वाउचर्स ले लो, उससे आप 50 उसी के वाउचर्स रिडीम कर सकते हो, और ये भी आपका एक दिन के बाद चला जाएगा। यहाँ पर सारी डेट एक दिन लिखी है ना, तो ये चला जाएगा। सिंस वो जहाँ यूसी खरीदने वाला, जहाँ पर 60 यूसी ऑफर वाउचर्स कब रिफ्रेश होगा, तो ये आपका हाई चांसेस है कि जब नया सीजन आएगा ना तब आपका ये रिफ्रेश हो जाएगा, या फिर रॉयल पास के टाइम रिफ्रेश होगा। लेट्स सी, न्यू सीजन के टाइम होता है या फिर रॉयल पास के टाइम होता है, तो आपका 60 यूसी का वाउचर वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों को डाउट है कि अपडेट कब आ रहा है, तो जो अपडेट है वो 21 तारीख को आ रहा है और ये 100% कन्फर्म है। अभी तक के कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि अपडेट डिले होने वाला है, नो, अपडेट 21st को ही आ रहा है, 20 तारीख को नहीं आ रहा है। 20 तारीख को शायद से आपको मिथिक फॉर्ज मिल जाए। मैडम बोनस चैलेंज नहीं आया, संडे भी चला गया, अपडेट के बाद ही आएगा क्या? हाँ, अभी देखो क्या सीन है कि बोनस चैलेंज में कल मैंने आपको बताया था पॉडकास्ट में, उन लोगों ने बोला है बोनस चैलेंज में कुछ चेंजेस हुआ है, तो शायद से अब जो अब आपका अपडेट आएगा 21 तारीख को, उसके बाद जो पहला आपका फ्राइडे आएगा ना, तो ही आपको बोनस चैलेंज देखने को मिलेगा। लेट्स सी इस बार वो क्या चेंजेस करें हैं बोनस चैलेंज में, तो मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगी, तो अभी तो फिलहाल के लिए नहीं आया। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा है सिस्टर अनलिमिटेड रॉयल आएगा कि नहीं, अल्टीमेट रॉयल आएगा कि नहीं। ओके, अल्टीमेट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी जो 5 दिन के बाद आपका नया सीजन आएगा ना, उसमें आपको 3-3 सीजन शो तो करेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको एक पोस्टर बताया, कोई ना, मैं अभी आपको वापस से वो पोस्टर दिखा देती हूँ। जब आप BGMI खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, तो ये आपको दिखा रहा है कि 5 दिन के बाद आपका नया सीजन आएगा। तो जब आपका नया सीजन आएगा ना, तभी आप लोगों का अपडेट के बाद 5 दिन के बाद, मतलब अभी आज से 5 दिन के बाद, यार मैं बहुत कंफ्यूज कर देती हूँ, सॉरी, तो 5 दिन के बाद नया सीजन आएगा, उसमें आपको 3-3 सीजन मिलने वाला है, क्लासिक कैजुअल और अल्टीमेट रॉयल होता है, अनलिमिटेड नहीं। तो अल्टीमेट रॉयल के अंदर ना, यहाँ पर आप खुद देख दीजिएगा, जब अपडेट आप कर लोगे ना, तो अपडेट के बाद हाई चांसेस है कि आपको 3 सीजन नहीं दिखेगा, लेकिन 5 दिन के बाद जब नया सीजन आएगा ना, तब ये 3-3 सीजन दिखेगा। किस तरह से आता है वो हम अपडेट के बाद जानेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अल्टीमेट रॉयल आएगा इस अपडेट में, कन्फर्म है, लेकिन ये 14 दिन के बाद आएगा, मतलब 14 दिन के बाद आप खेल सकते हो। तो अगर आपने रैंक अप नहीं किया है ना, तो जैसे ही अपडेट आएगा ना, नया सीजन आएगा 5 दिन बाद, तो फटाफट से क्राउन पर पहुंच जाना। तो अगर आप क्राउन पे रहोगे तभी आप अल्टीमेट रॉयल खेल सकते हो, अदरवाइज आपके लिए वो ओपन नहीं होगा। तो फटाफट क्राउन पे जाना और अल्टीमेट रॉयल खेलना। और इसमें क्या सारी चीज़ें हैं, लाइक आप रिकॉल नहीं कर सकते हो, बिना रिकॉल के होगा, ये सब कुछ इसके अंदर है। तो अभी इसको टाइम है, जब आ जाएगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको न्यू अपडेट से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें न्यू आने वाली है इस अपडेट में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और उससे ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हो जाओगे उस चीज़ें खेलने के बाद में, क्योंकि आपको बहुत पसंद आने वाली है। अच्छा, कोई और सवाल है आप कमेंट में करिए। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो याद से इसको चेकआउट कर लीजिएगा, कल मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है ऑलरेडी। टेक केयर।